All India Congress leader Rahul Gandhi is going to start the Bharat Nyay Yatra from the state of Manipur from 14 January. On Thursday, AIC spokesperson Dolly Sharma held a press conference at the Congress Bhavan and given this information. All India Congress spokesperson Dolly Sharma urged everyone from the state to participate in this Bharat Nyay Yatra on Thursday. Apart from Dolly Sharma, there were State Congress President Ashish Kumar Shah, MLA Sudhir Roy Barman, and others were also present in the press meet. हम आपके बीच हमारे नेता राहुल गांधी जी जो आने वाले 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी जी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर देश की आम इंसान के बुजुर्ग के महिलाओं के युवाओं के छोटे और मध्यम बेरोजगारों के आत्महत्या करते किसानों के दर्द को सुना और उन्होंने समझा। आपने सबने सुना होगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने उस दर्द को समझा जिससे आज जनता बेहाल है, परेशान है। आज बार बार हम हर जगह ये देखते आ रहे हैं कि पिछले 10 साल देश में अन्यायकाल रहा है। अन्यायकाल कैसा अन्याय, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी क्या क्या अन्याय देश की जनता ने इस 10 साल में सहा है। कौन सी जनता, जिस जनता से कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जिससे कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हर तरीके के जुमले छोड़े गए। देश की जनता से कहा गया था 15 लाख आपके खाते में आएंगे, देश की जनता से कहा गया था कि काला धन आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे, सबसे जनधन खाते खुलवा दिए, सबसे ये कहा गया कि जनधन खाते खोल लो, लेकिन वो खाते खुलने के बाद उनके खातों में जो पैसा था मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटने लगे, 15 लाख तो किसी को मिला नहीं। आज लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं कि जनता की पीठ पर खंजर चाकू भोंकने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो कैसे किया, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि इन्होंने 10 वर्षों में जो लोकतंत्र को चोट पहुंचाई, लगातार चुनी हुई सरकारें गिराकर जहां इनकी सरकारें नहीं बनी वहां जबरदस्ती इन्होंने विधायकों को खरीद खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग कर होटल में और रिजॉर्ट्स में उनको रखवाकर सरकारें तोड़ी हैं, गिराई हैं और अपनी सरकारें बनाई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि देश के युवा ने क्या झेला है पिछले 10 साल में। इन्होंने कहा था युवा बेरोजगार, अब भारत को बेरोजगार बनाओ। कैसे बनाओ, बेरोजगार लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है, 1 करोड़ बेरोजगार 2012 से 4 करोड़ 2022 तक हो गए। बेरोजगारी दर 45 वर्षों में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आज अगर देश का युवा नौकरी मांगता है तो आप पकौड़े की बात करते हैं, आप अग्निवीर जैसी स्कीम ले आते हैं और जहां हमारे देश का युवा महीनों महीनों सालों सालों की तैयारी करके देश की आर्मी में भर्ती होना चाहता था उन्हें भी आपने ठेकेदारी सिस्टम पर ला दिया, 4 साल की नौकरी और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप हमारे युवा को आपने मजबूर किया। रिपोर्ट प्रणव फ्रॉम अगरतला चीनी खोरांग।